नमस्कार, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ गोंद की लड्डू, जो बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं। ठंड में ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। एक लड्डू आप रोज़ बच्चों को दीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए इसे बनाना देखते हैं। इसके लिए हमें चाहिए गोंद, ये मैंने 100 ग्राम गोंद दिया है, और इसके लिए ड्राई फ्रूट्स चाहिए। और चलिए देखिए आप बनाएंगे। एक पैन लेंगे, उसमें हम घी डालेंगे। अभी मैंने 1 चम्मच ही घी ली हूँ, और अब इसमें हम काजू इसे रोस्ट कर लेंगे अच्छे से। अब काजू रोस्ट हो गया है, इसे अब हम निकाल लेंगे। सारे ड्राई फ्रूट्स को लो फ्लेम पर ही हम रोस्ट करेंगे। और अब चलिए बादाम ले लेंगे, और इसे भी हमें रोस्ट कर लेना है हल्का सा। अब बादाम को हम निकाल लेते हैं, और अब हम नारियल लेंगे सूखा, ये 50 ग्राम से कम है थोड़ा सा, और इसे भी हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। आप चाहे तो जो भी आपको इच्छा हो वो ड्राई फ्रूट ले सकते हैं आप इसमें। अब देखिए मैंने किशमिश भी भून ली हूँ, मैं अब इसे निकाल लेती हूँ। किशमिश को जो है हल्का ही भुनना है। और अब हम मखाना लेंगे, मखाना भी 100 ग्राम है, इसे अच्छे से हमें भून लेना है लो फ्लेम पे। देखिए इस तरह से इसे हम फोड़ के देखेंगे, जब फूट जाएगा तो समझेंगे हमारा मखाना जो है वो भून गया है अच्छी तरीके से। अब हम 1 चम्मच इसमें पोस्ता दाना लेंगे। पहले हम घी जो डाले थे पैन में उसे हटा लेंगे पोंछकर, उसके बाद हम पोस्ता दाना डाल के भूनेंगे, नहीं तो तेल में जो है पोस्ता दाना सारा चिपक के रह जाएगा। और ये देखिए जब चटकने लगेगा तब इसे हम निकाल लेंगे अच्छे से भून के। देखिए इस तरह से भून गया, अब हम निकाल लेते हैं इसे अलग से। और अब पैन लेंगे, फिर से इसमें हम 2 चम्मच घी डालेंगे। एक बॉल मैं घी ली हूँ, उसी में से मैं थोड़ा थोड़ा करके यूज कर रही हूँ। और अब ये देखिए गोंद है, ये 100 ग्राम है, इसे अच्छे से पहले धूप में सुखा लीजिएगा। इससे क्या होगा कि अच्छे से ये गोंद जो है हमारा फूटेगा। और देखिए घी को पहले गर्म करके देख लेंगे हम, एक दाना डालकर कि ये फूल रहा है कि नहीं। देखिए अभी ठीक से गर्म नहीं हुआ है, थोड़ा और गर्म होने देंगे। अब ये देखिए इस तरह से फूलने लगेगा जब, तब हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा करके इसमें मैं डालूंगी, और अब इसे हम भून कर निकालेंगे। ये देखिए फूटने लगा है खुद,
एक इसे मीडियम टू हाई फ्लेम में रखिएगा, जिससे कि यह अच्छे से फूल जाएगा। देखिए इसे चलाते जाना है। देखिए हमारा गोंद फूट गया। अब इसे हम अलग से निकाल लेते हैं फिर एक बर्तन में, और इसी तरह से हम सारे गोंद को थोड़ा थोड़ा करके भून लेंगे। एक बार में अगर आप डालिएगा तो वो नहीं फूटेगा, सारा गोंद जो है आपका टाइट रह जाएगा, वो खराब हो जाएगा। और देखिए इसी तरह से, देखिए मैं जैसे थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल रही हूँ, उसी तरह से आप फोड़िएगा तो बहुत अच्छे तरीके से फूटेगा। अब सारा गोंद निकाल लिए। अब उसी पैन में हम एक चम्मच बेसन डालेंगे और इसे हम भून लेंगे। अब इसे भून लेंगे, स्लो फ्लेम पर ही भूनना है। चलिए इस तरह से देखिए भूनते जाएंगे, घी छोड़ने लगेगा, तब तक इसे हमें भूनना है। हल्का हल्का ब्राउन हो जाएगा ये। अब चलिए एक तरफ हम, जब तक वो भून रहा है, एक तरफ हम जो सारे ड्राई फ्रूट्स लिए थे, भुने थे, उसे हम पीस लेते हैं, ग्राइंड कर लेंगे। इसी तरह बस मोटा मोटा हमें ग्राइंड करना है। और अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अब ये देखिए गोंद सारा जो हम छान लिए थे, इसे हम क्या करेंगे कि कोई भी ग्लास चाहे कोई कटोरी लेंगे और उसके पेंदी से इसे हम हल्का हल्का दबाएंगे। इसे क्रश कर लेना है, इसे मिक्सर ग्राइंडर में नहीं, हाथ से बस इसे क्रश करना है। इस तरह से देखिए इसे हम सारा दबा दबा करके इसको फोड़ लेंगे। और देखिए इस तरह से फूट गया, थोड़ा थोड़ा मोटा रहेगा ताकि लड्डू में जो हम खाएंगे जब तो क्रंच क्रंच लगेगा। इसे भी हम डाल लेते हैं। और अब देखिए बेसन जो है हमारा भून कर हो रहा है तैयार, और देखिए घी अपने आप इसमें छोड़ रहा है। और इससे भून के तैयार हो गया। अब इसे भी हम डाल लेंगे इसी में, कोई बड़ा बर्तन आप लीजिएगा, उसमें इन सारे सामानों को डालना है। अब जिस पैन में हम बेसन भुने थे उसी पैन में अब हम घी डालेंगे। ये देखिए इस तरह से हम 2 चम्मच घी डाल रहे हैं। और अब जिस कप से हम गोंद लिए थे, आप कोई भी कप ले कटोरी ले सकते हैं, उसके अनुसार हम डालेंगे आटा। इसमें डालना है, जैसे 1 कप हम गोंद लिए थे तो हम इसमें 2 कप आटा डालेंगे। और इसे अब हम हल्की आंच पर भूनेंगे। इस तरह से देखिए चलाते चलना है ताकि आटा जो है हमारा वो खुली नहीं हो। और इस तरह से देखिए मैं ले ली हूँ, और फिर इसे भूनना है अच्छे से आटा को। ऐसे चलाते चलिएगा नहीं तो वो जल जाएगा, और लो फ्लेम पर ही इसे हमें भूनना है। देखिए इस तरह से हम भूनते जाएंगे और अच्छे से भून लेंगे। और अब इस बीच में ही हम 1 कप चीनी ले लिए हैं, और इसमें थोड़ी सी 4-5 इलायची डाल ली हूँ, और उसे हम पीस लेंगे। और देखिए इस तरह से अब हमारा गेहूँ का आटा जो है वो भुना रहा है। और अब इसमें हम डाल लेते हैं ड्राई फ्रूट्स वाले में। अब आटा डाल देंगे इसमें भुना हुआ,
किशमिश डालेंगे, पोस्तो दाना डालेंगे, एक चम्मच हम भुने थे उसमें से आधा डालेंगे और थोड़ा सा रख लेंगे हम, लास्ट में वो काम आएगा। और इसमें अब हम सौंठ डालेंगे आधा चम्मच, सौंठ अदरक जो सूखा होता है उसी को कहते हैं। और अब देखिए एक कप हम चीनी डाल देंगे पीस कर, और चीनी जो है उसे हमें गर्म गर्म में नहीं डालना है, जब हल्का सा कुनकुना रहेगा आटा तब हमें डालना है, अगर गर्म में हम डाल देंगे तो चीनी जो है वो पिघल जाएगा और फिर लड्डू बनने में दिक्कत होगी। इसलिए देखिए हल्का सा कुनकुना था तब हम उसमें चीनी डाले हैं। और अब इसे अच्छे से हाथों से मसल लेंगे, अब इसमें थोड़ा सा पिघला करके घी हम एक एक चम्मच डालेंगे थोड़ा थोड़ा, और देखिए इसे फिर मिला लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा लड्डू जो है वो अच्छे से बनने जाएगा। ये लड्डू काफी हेल्दी होता है, सर्दी में काफी ही फायदेमंद है। और देखिए इस तरह से आप बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं इस लड्डू को। थोड़ा सा हम और घी डालेंगे इसमें, और देखिए अब ये बन किलने के लिए तैयार हो गया है। और देखिए इसी तरह से हम बांध लेंगे एक एक लड्डू, जोर जोर से इसे हम हल्का हल्का दबाएंगे तो लड्डू बनके हमारा तैयार हो जाएगा। देखिए इसी तरह से हमें बना लेना है, और थोड़ा सा जो हम पोस्तो रखे थे उसे ऊपर से लगा देंगे गार्निश की तरह। और देखिए इस तरह से सारे लड्डू हम बना लेंगे। तो कैसी लगी आपको मेरी यह लड्डू की रेसिपी? यह रेसिपी मेरी नहीं, मेरी माँ की बनाई हुई है, मैं उनके जैसे ही बनाने की कोशिश की हूँ। तो आपको ये कैसा लगा ये कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा, और लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं इस लड्डू में जो भी इंग्रेडिएंट्स डाली हूँ उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से हम एक नए रेसिपी के साथ। धन्यवाद। I don't care about it all.